हाय दोस्तों वेलकम बैक नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास करने वाला सेवन का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा पंद्रह जनवरी का वीकली टेस्ट बच्चों ठीक है हिंदी का तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे साथ से को प्रेस कर दोस्तों समझ क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर रांची आपका योग्य प्रोजेक्ट रेल दोस्तों ठीक है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों क्लास आपका हो गया सेवन दोस्तों आपका बी सी हो गया हिंदी बच्चों ठीक है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा पहला बच्चों तो प्रश्न के पहला क्वेश्चन बारे समझ के है कि एक पाती बच्चों के नाम पाठ की रचना कर कौन है बच्चों ठीक है इसका ऑप्शन आपका ये है महादेवी वर्मा ऑप्शन का बी है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन आपका सी है देवेंद्र कुमार ऑप्शन डी है राधा कृष्ण दोस्तों ठीक है इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का क्या होगा जवाहरलाल नेहरू सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ठीक है प्रश्न दूसरा बोला समझिए क्या कि कौन ज्यादा संवेदनशील है बच्चों ठीक है ऑप्शन आप आपका ये है बच्चे ऑप्शन आप आपका बी है युवा ऑप्शन आपका सी है बूढ़े ऑप्शन डी है आपका जवान दोस्तों ठीक है इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होगा आपका बच्चे सिंपली और संवेदनशील है बच्चों ठीक है प्रश्न के बाद तीसरा समझिए क्या है कि बच्चों के लिए आपसी लड़ाई झगड़ा क्या है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है खेल ऑप्शन आपका बी बच्चों पढ़ाई ऑप्शन सी है सबक ऑप्शन डी है ज्ञान बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होगा खेल दोस्तों सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा ठीक है उसने तो यहाँ पर चौथा बच्चा समझिए क्या है कि अमेरिका किस महादेश में स्थित है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है यूरोप ऑप्शन आपका बी है एशिया ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा उत्तरी अमेरिका सिंपली बच्चों को सही सजेस्तों हो जाएगा ठीक है प्रश्न यहाँ पर फाइव और समझिए क्या कि बच्चों को कैसा बनने को कहा गया है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है बुद्धिमान ऑप्शन आपका बी है मूर्ख ऑप्शन आपका सी है आलसी ऑप्शन डी है दीर्घ सूत्री बच्चों ठीक है तो इसमें सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों क्या होगा उसमें का बुद्धिमान बच्चों बनने के लिए बोला गया बच्चों ठीक है प्रश्न के यहाँ पर चल नेक्स्ट uh, प्रश्न के ने यहाँ पर छठा बार क्या कि बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है बैठे रहने के लिए ऑप्शन आपका बी है गलत के लिए ऑप्शन सी है सही समझ के लिए ऑप्शन डी तो है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या कहो सही समझ के लिए बच्चों बनने के लिए बोला गया ठीक है दोस्तों प्रश्न के साथ समझ पड़ क्या कि दुनिया भर के बच्चों में कैसा गुण है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है दोस्ती का ऑप्शन आपका बी है दुश्मनी का ऑप्शन आपका सी है ये और बी दोनों ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सहयोग ऑप्शन सी बच्चों ये और बी दोनों सिंपली है आपका है दोस्तों ठीक है दोस्ती भी दुश्मनी भी ठीक है नेक्स्ट प्रश्न के आप आठवा समझिए क्या कि यह संसार अपने आप में कैसा है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है परिकथा ऑप्शन आपका बी बच्चों प्रेत कथा ऑप्शन सी है बेतला कथा ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों क्या होगा परी कथा बच्चों को संसार है दोस्तों ठीक है तो प्रश्न किया नाइन वर्षों क्या है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड गया था बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए है लेखक ऑप्शन आपका बी है बच्चे ऑप्शन सी है डॉक्टर ऑप्शन डी है बच्चों का व्यापारी बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों क्या होगा लेखक बच्चों गया था इंग्लैंड बच्चों ठीक है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दसवां क्या है कि गुजरे हुए का क्या अर्थ है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये है आने वाले ऑप्शन का बी है बीते हुए ऑप्शन सी है वर्तमान में ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका बी नंबर क्या बीते हुए, हुए सिंपली सही बच्चों का हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे प्रश्न के ग्यारह समझिए क्या है कि चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किससे लिखा है बच्चों ठीक है ठीक ये उत्तर समझिए क्या है कि चाचा नेहरू ने यह पत्र नवंबर उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी में बच्चों के संबोधित करते हुए लिखा है बच्चों ठीक है आपका यह हो गया आपको तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के बार बार क्या है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे बच्चों ठीक है इसका उत्तर समझ क्या है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे जिसमें फूलों पेड़ पौधों चिड़ियाओं जानवरों आसमान के तारों पर्वत पहाड़ों झरनोंदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो बच्चों ठीक है जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है बच्चों आपको फाइनल का आंसर बच्चों कॉपी लिख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर को ये सब बनेगा बच्चों ठीक है तेरह बार समझ है कि इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा है बच्चों ठीक है के उत्तर बच्चों यहाँ पर क्या है कि इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है बच्चों ठीक है ताकि बच्चे इस संसार और अपने देश को महसूस कर सके बच्चों ठीक है नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ पर चौदह समझ क्या कि पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है बच्चों ठीक है उत्तर समझिए जाऊँ क्या बच्चों यहाँ है पंडित नेहरू को चाचा नेहरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंडित नेहरू बच्चों को बहुत पसंद करते थे इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे बच्चों ठीक है प्रश्न के यहाँ पर पंद्रह समझ पड़ा क्या कि हम प्राकृतिक का आनंद कैसे ले सकते हैं बच्चों ठीक ठेक है ये उत्तर समझिए जाओ बच्चों है हम प्राकृतिक का आनंद पेड़ पौधों के साथ ले सकते हैं हम कुछ समय नन्हे चिड़ियों के साथ व्यतीत करके आनंद ले सकते हैं बच्चों आपका योग फाइनल इसका आंसर बच्चों दोस्तों इस वीडियो में को फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर सोलूशन बच्चों ठीक है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर करिएगा साथ ही आइकन को प्रेस कर दोस्तों और वीडियो को शेयर करना बच्चों ना भूलेंगे वीडियो भी दोस्तों शेयर कीजिएगा ठीक है अपने एक दोस्त के पास वीडियो शेयर कीजिए हर एक बच्चे वीडियो को पहुंचाइए बच्चों ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद जय जो वंदे मातरम ठीक है थैंक यू सो मच